मीडियाकर्मियों के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जो हमारा प्रोटेस्ट आज था, बेसिकली हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी द्रबील वाली जो पंचायत है वो डीडीसी ठकराई में पड़ती है। भईदार, ये मतलब हमारी तीन पंचायतें यहाँ पे पड़ती हैं। हम कहीं पे थे तो मुझे परसों यहाँ पे कुछ दो तीन सरपंच आए, उन्होंने मेरे पंचायत के लोगों को उन्होंने ब्लैकमेलर कहा। मैं जो ही मैंने ये सुना है, अल्लाह की कसम उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं है। अगर इन गरीब आवाम ने हमें चुना है, कैसे क्या किया है, अगर हमें इनको फायदा भी नहीं दे सकेंगे, क्या आप इनको ब्लैकमेलर हम बोलेंगे? अफसोस के कहना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया कि मामला क्या है। यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जहाँ जो मेरे वहाँ उस पंचायत के लोग हैं वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से मटेरियल का गफला है। जब उन गरीब आवाम ने आवाज वहाँ पे उठाई, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें मीटर मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे दो चार सरपंच, डीडीओ, वेलडब्ल्यू, जीआरएस, उनके चमचे वहाँ पे निकल के उनकी सपोर्ट में, नहीं जी पुलिस ने भी गलत किया, उन्होंने भी गलत किया, कि ताकि वहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुस के मेरे लोगों के, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला सवाल नहीं है, इसमें इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं, मुझे कोई सियासत, इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे हमने मरना है। हम इस दुनिया में किसी को रहना नहीं है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है उनके लिए कि गरीब का कोई सहारा इस वक्त नहीं है। गरीब एक आदमी सहारा बनाता है, एक गरीब वोट देके अपना सहारा बनाता है, फिर वो सहारा भी अपने आप वो ऑफिसरों के साथ अय्याशी में चले जाते हैं। लेकिन मैं शेम और लानत उन सरपंचों के लिए करता हूं, क्या हम आवाम के साथ नहीं जुड़ेंगे? फिर ये आवाम हम पे ऊपर कौन सी भरोसा करेगी? हमारे ऊपर ये आवाम कैसे हमारे साथ रहेगी? लिहाजा मैंने यही उसी ने ये प्रोटेस्ट रखा है। फिर जब मैंने पूरी यहाँ पे बात सुनी, यहाँ पे मामला है ये, जितना भी यहाँ पे कोई जो ही कोई बेचारा गरीब जब काम पे जाता है, जीआरएस को बोलता है नहीं जी मैंने आज 1 बजे छुट्टी करनी है, जीआरएस वहां से कहता है भाई तूने पूरा दिन लगाना, जब उसने दिन भी लगाया, फिर अगर उसने कोई बात उसको वहां से कही कि इसकी हाजिरी भी कटेगी, अगर किसी गरीब ने यहाँ पे बात कही बोला इसका आवास पलस भी कटेगा। अरे मैं यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन जीआरएस को, उस वीएलडब्ल्यू को, जिसे तूने मेरे गरीब आवाम की वहां पे वो दिन काटे हैं, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ उसका बाजू काटूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। खाली मैं ये देख रहा हूँ जिसमें भी मेरी गरीब आवाम की दिन काटे हैं, मैं देख रहा हूँ किस जीआरएस ने काटे हैं, उनको मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ, खाली मुझे ये पता चले किसने मेरे गरीब आवाम के दिन काटे, उसकी इंशाल्लाह उसकी ऐसी पैसी हालत करूंगा, उसको पता चलना चाहिए और पूरे ब्लॉकों में वो आवाज जानी चाहिए, ताकि किसी गरीब का गरीब के साथ हम नाइंसाफी करने नहीं देंगे। फारूक साहब, जिस तरीके इस वक्त इन्होंने मुझे इस वक्त बताया कागज किसी के पास नहीं है, अगर बैकडोर एंट्री है मैं इन लोगों के साथ में हूँ, अगर बैकडोर एंट्री है यहाँ पे उसका फैसला नहीं होगा, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो फैसला करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, ये मेरा काम है, मगर हमें अभी यहाँ पे खाली सुना मैंने, जब कागज हमारे पास आएंगे हम इनके साथ साथ में होंगे। मेरा पैगाम लोगों के साथ है, यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जहां जहां नरेगा चलता है बेसिकली मैं सरपंच हूँ। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सबसे पहले सरपंच चोर होता है, ये ब्लॉक वालों का एजेंट होता है, ये जीआरएस वेलडब्ल्यू बीडीओ का एजेंट होता है, मैं खुद सरपंच हूं, सुने ये क्या काम करते हैं। जिस वक्त आप लोग ये क्लियर सुने सारे लोग, जिस वक्त ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में क्या होता है, ये आप लोग सबको ये बात रखे याद, ये नहीं इस वक्त नरेगा के पीछे जाए, जिस वक्त सब लोगों को बुलाया बिठाए, सारे 200-400 लोग जमा हो गए, हाँ जी बताओ जी वेंडर कौन कौन है, फिर वो क्या काम करते हैं, एक रजिस्टर के पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर पर क्या करते हैं कि लोगों ने बोले ये नाम हमने रखे हैं, लोगों ने ये नाम रखे, इसे ये याद रखना, उन्होंने नाम लिख दिए, फिर बोलते हैं चलो बस आपकी कार्रवाई हो गई, फिट रख दिया वो संभाल के, ठीक है। फिर जब वो सरपंच पहुंचते हैं कहाँ, डिपार्टमेंट के पास, बीडीओ, वीएलडब्ल्यू, जीआरएस, बैठ के क्या काम करते हैं, उस रजिस्टर को साइड पे करके दूसरे रजिस्टर पे लोगों से साइन लेके उस पे वो अपने वेंडर चढ़ाते हैं। साइन किन्होंने किया, जो ही कंप्लेंट होती है, जिस वक्त कंप्लेंट होती है वो कहते हैं नहीं जी आप लोगों ने साइन किए, साइन तो होते हैं, लिहाजा मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस वक्त वो साइन करें, पेंचों को कहें इसको पूरा, मतलब आधा नहीं रखें, पूरा लिख के नीचे वहां पे पहले वार्ड मेंबर साइन करेंगे, लोग भी साइन करेंगे, उनको बोलना फोटो उठाने दो, फिर उनको छोड़ना वहां से, तब तक उनको छोड़ना नहीं है वहां से, क्योंकि जो मेन चीज कागज होता है, क्या काम आपको समझ आ गया अच्छे से कि प्रॉब्लम क्या होती है, हम साइन भी करते हैं, खुद लिख के देते हैं, अब गरीब आदमी शरीफ इंसान क्या पता है उसको चोरी कहां से होती है कैसे होती है, मैं खुद सरपंच हूं, मैं ये कहता हूं आपसे, मतलब कहां कहां चोरियां होती हैं, कैसे चोरियां होती हैं, इंशाल्लाह ये आपको आपसे आपको मैं कहना चाहता हूं
ये किसी ब्लॉक में मैं होने नहीं दूंगा। ये यहाँ ब्लॉक मुगल मैदान से आंदोलन चला, ये वड़वन मड़वा किथर तक चलेगा। हर ब्लॉक में हम जाएंगे, हर लोगों के पास हम जाएंगे। हमने न कोई इलेक्शन लड़ना, न कोई खड़पेंची करना। जब चुनाव हो गए आपको अपनी मर्जी किसको वोट देंगे, लिहाजा हम गरीबों के साथ में रहेंगे। और मैं ये फिर से आपसे कहना चाहता हूँ उन जीआरएस को, आज की डेट से अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में या छात्रों में किसी को भी एबसेंट लगा, तमाम लोग आके रोड में आके कुछ नहीं होता है। एक बार उनको अपना मुंह दिखाएं, उनको थोड़ा सा सीधा करें, एफआईआर लगेगी, कुछ नहीं होगा, मगर आइंदा सारे लोग आराम से चलेंगे। इन मामलों में मैं डरने वाला नहीं हूं। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने पटवारी को 10 बार बोला, भाई काम कर काम कर, जब नहीं किया फिर उसको मैंने सीधा करके 2 दिन में भी अंदर रहा, मगर काम ठीक से हुआ। ये मामले नहीं होते हैं। लिहाजा मैं आप इसी तरह आपकी महाजन से कहना चाहता हूँ उन जीआरएस वीएलडब्ल्यू को, अगर किसी भी छात्रों में मुगल मैदान में, ठकराई ब्लॉक में, द्रामशाला ब्लॉक में, वड़वन में, मड़वा में, दक्षिण में किसी के भी किसी को भी आज के बाद एब्सेंट लगी, लिहाजा उस जीआरएस को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। लिहाजा आप अभी मैं अंदर जाता हूं, हम ये मेमोरेंडम पेश करेंगे अंदर, ये आपके लिए भी कॉपी है, ये आपके लिए भी कॉपी हम दे देंगे। हमने ये मेमोरेंडम अंदर पेश कर, अभी हमारे पास हमने धरना लगाना था, यहाँ पे एसएचओ साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, बीडीओ साहब आए हैं, उन्होंने बोला अंदर आके हम बैठ के बात करेंगे। अभी हम इनके पास जाएंगे, इन्होंने बोला कि हम ग्राम सभा अच्छे तरीके से करेंगे, वो करने के बाद फिर आपके सामने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद फिर मैं निकलूंगा। यहाँ पे अंदर एसएचओ साहब भी थे, तहसीलदार साहब थे, बीडीओ साहब थे, इन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया और यकीन दहाने भी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह, इन्होंने बोला कि ग्राम सभा बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे होगी और वेंडरों का वहाँ पे पूरा ग्राम सभा में जो भी वहाँ पे लोग लिखाएंगे नाम, उसके बाद जो वहाँ पे इसके पास पहुँचेगा वीडियो साहब के पास लिस्ट, उसके बाद ये गांवों में वो लिस्ट चिपकाएंगे, वेंडरों के नाम सारे बाहर आ जाएंगे। और इन्होंने हमने ये लिख के दिया कि किसी की एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए, हर एक, ये नहीं मैंने यहाँ की मुगल मैदान की बात की, मैंने छात्रों की बात की, मैंने यहाँ मुगल मैदान की बात की, ठकराई ब्लॉक की बात की, पतनाजी ये क्या अपना ये द्रामशाला ब्लॉक की बात की, मैंने मतलब आपकी महाजन से हर जगह इसी तरह होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने शुरू किया इसी तरीके से हम हर जगह जाएंगे और जो भी है मेटेरियल वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एफआईआर बात हो गई, एसएचओ साहब ने क्लियर बोला कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी दोषी पाएगा उनको हम अरेस्ट करेंगे। कुछ सर तो सही बात है ना, वही बेस जो बात है वो तो सही बात है, वो तो जो पुराने ऑफिसर है, जो घोटाला है, वो तो उनके एजेंट थे, जब उसीलिए उन्होंने चिल्लाया ना यहाँ पे आके, वो तो उनके एजेंट थे, वो तो गरीब लोगों की आवाज दबाने की कोशिश में थे ना सारे, उसीलिए सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए। जो हमने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जो यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे कोई हमारा कोई सियासी कोई मसला नहीं था, कोई सियासी मफाद नहीं था, ना कोई इलेक्शन था, यहाँ पे कोई किसी हम गरीब आवाम के साथ में है। जो उन्होंने जो सरपंचों ने जो बात बोली वो काबिल मजम्मत है, वो भी 3 सरपंच आए और उसके लिए लोगों ने खुद जवाब दिया यहाँ पे, और हमने रिक्वेस्ट की जिन्होंने वो बात बताई उन सरपंचों को भी अरेस्ट किया जाए।